हम पहुंच चुके हैं जलालाबाद और स्टाइलिश टीशर्ट मिलती है बढ़िया, पर मैं सब तो पहने किसी को मैंने देखा नहीं यहाँ पे। अच्छा हुकूमत का मोटरसाइकिल है, मुझे सुनने में आया पाकिस्तान से दवाइयाँ भी आती हैं भाई। पाकिस्तान के पास तो खुद के पास कुछ नहीं देने को। इंडिया जिंदाबाद, जिंदाबाद इंडिया। यहाँ पे सिखों की काफी कम्युनिटी रहती थी एक टाइम पहले। बाबूलाला गुरुद्वारा देख रहे हैं, जहाँ पे पैदा हुआ ना मैं वहीं पे ही। ये मजदूर का हाथ एक कात्या, हम यहाँ पे खवारा मरने वाले हैं। यहाँ पे एक रूल है कि भाई जहाँ पे लड़का लड़की साथ पकड़े जाए, ये कह रहे हमें हिंदुस्तान ले चलो, मेरी शादी भी हुई। ये पूरा एरिया हिंदुओं का था, बनकर एरिया। ये हम पहुंच चुके हैं जलालाबाद और भाईजान ने हमें उतारा है बिल्कुल मार्केट के अंदर। तो देखो यार कितने प्यारे लोग और सबको उर्दू आती है, कमाल की बात है। सलाम भाईजान, सलाम भाईजान। तो भाई हमारे साथ यहाँ का मेडिकल स्टूडेंट हो, मुझे पता है यहाँ हॉस्टल में पढ़ता है, फोर्थ ईयर में मेडिकल पढ़ाई करते हो, क्या बात है यार। क्या नाम है अपना? रेहान नाम है भाई। तो पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है? अच्छा है। अच्छा है, अच्छा है। चलो यार बढ़िया। तो लोग मिलते हैं, अच्छा लगता है, यहाँ के लोग पढ़ते भी हैं भाई, बढ़िया चीज़ है। बाकी मैं फिलहाल बंद कर रहा हूँ, लेडीज़ वेडीज़ है यहाँ पे थोड़ा सा। तो ये बाजार वगैरह लगता है यहाँ पे इस जगह पे? ये अभी शाम को भीड़ भाड़ होगी थोड़ी बहुत, मतलब ऐसे तो रोजा करके थोड़ा कम हो रखी है भीड़ ना, ऐसा ही है ना। स्टाइलिश टीशर्ट मिलती है बढ़िया, पर मैं सब तो पहने किसी को मैंने देखा नहीं यहाँ पे। ये पहनते यही है, सस्ता मिलता है, सस्ता मिलता है, पर पहनते कम ही है लोग, है ना। ज्यादातर यही पहनना पसंद करते हैं, कम्फर्टेबल रहता है। हाँ वही कम पहनते हैं, तभी तो हम लोगों को ऐसे देख रहे हैं कि पता नहीं कौन आके। सलाम भाईजान, क्या कह रहे हो? थोड़ा थोड़ा से, तो थोड़ा थोड़ा बोलो तो सही, समझ तो आए मुझे भी, क्या कह रहे हो? और यहाँ खजूर वजूर शाम की तैयारी हो रही है। हाँ ब्रदर कैसे हैं? ठीक है यार बढ़िया है। तो अच्छा यार लोग बहुत अच्छे हैं, और भाई कह रहा है मेरे साथ चलो, पर अभी हम शाम को तैयारी के टाइम पे ही सबके साथ खाएंगे। बस बढ़िया जी, हम हिंदुस्तान से हैं। कैसे लगा आपको अफगानिस्तान? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लोग बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। कैसे भाई जान? तालिब भाई हैं, चलो कोई बात नहीं। तो बस बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, या नहीं है? अमन है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ घूमने में। बस ये है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, ये लोग आपको पहली बार देख रहे हैं इसलिए हैं। सलाम भाई जान, कैसे हैं? बस बढ़िया जी बढ़िया। आप सुनाइए। हिंदुस्तान से आया हूँ मैं, दिल्ली वाला हूँ। दिल्ली वाला? हाँ दिल्ली वाला हूँ। चलते हैं, ज्यादा भीड़ लगेगी फिर दिक्कत होगी। शुक्राना भाई जान, शुक्राना भाई। लोग मिलते हैं यार, मिलते हैं मेरे भाई। तो भाई कह रहा मेरी दुकान को शूट कर दो। सही है, सामान सामून बिकता है यार, बढ़िया यार। इसके बड़े भाई का दुकान है। बड़ा भाई क्या है? बड़ा भाई भी गायब हो गया। बाबर आजम है, दे दे कर की। अरे क्या तब बॉल मारो उस बाबर आजम को, बोलो जरा। बाबर आजम क्या चालोग नहीं है ये? देखो यहाँ पे इस तरह की बाइक चलती है, ये बाइक। कैसे भाई जान? बढ़िया यार, ये बाइक यहाँ चलती है और पूरी चमका रखी होती है, सजा रखी होती है। भाई साहब हिंदुस्तान से, भाई जान हिंदुस्तान से। अच्छा मोटरसाइकिल अच्छा है, मोटरसाइकिल अच्छा है। अच्छा हुकूमत का मोटरसाइकिल है, कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने वीडियो बना लिया, शुक्राना ब्रदर। तो भैया लड़के देखो कितने स्मार्ट स्मार्ट है, और यहाँ पे भाई का कपड़ों का माशाल्लाह। क्या नाम है अपना? उमर। उमर बढ़िया। हाँ मैं इंडिया से, दिल्ली से। ओ माशाल्लाह, दिल्ली से आए हो? हाँ दिल्ली से आए। दिन आएगा हम भी आएगा। बाकी भाई की कपड़ों की दुकान है, सलमान है इसलिए। आप भी मुसलमान हो ना? नहीं है भाई, पर हम आपके साथ इश्तेहारी जरूर खोलेंगे। अच्छा अच्छा ठीक। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो कपड़े हैं यहाँ के लोग पहनते हैं, ये लोकल कपड़े हैं? ये जो है ना, ये इधर तमरीन के लिए लेना है, मतलब शौकिया लेते हैं, जिम कर रहे हैं ना, जिम उसके लिए। जिम का बहुत शौक है लोगों का, भाई साहब जिम करके। अफगानी जो है ना इधर, जिम का बहुत शौक कर रहे हैं इधर, जिम में पहनते हैं, वर्जिश कर रहे इधर। बस फिर उसके बाद क्या करेंगे मुसलमान खान बन के? कराटे 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 कर रहे हैं, बॉक्स कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, पहलवानी कर रहे हैं, लड़ाई भी कर रहे हैं। चलो जी बढ़िया यार, बढ़िया यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके यार, बढ़िया है। शुक्राना, इंडिया वाले ना, हमारा अपना क्या नाम है उसको बोलते हैं, लरोबर अफगानिस्तान, जिंदाबाद इंडिया, जिंदाबाद जिंदाबाद इंडिया, जिंदाबाद हिंदुस्तान और अफगानिस्तान, जिंदाबाद। जब गए तुम इंडिया में विराट कोहली पे मेरा सलाम बोलो, पाकिस्तान ने कस्ता, जिंदाबाद इंडिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्राना। और गुरुद्वारे के बाहर ये सारी दुकानें मसाले वसाले की सारी चीजों की, इस्लाम भाईजान और कैसे हैं? सब बढ़िया है, शुक्र है। सारे मसालों की मार्केट है, सब मसाले के मार्केट, मसाले की मार्केट है, क्या बात है। ठीक है सब, ठीक है, बस बढ़िया जी बढ़िया, सब बढ़िया। तो भैया ये सारी मसालों की मार्केट है, ये कहाँ से आते हैं मसाले भाईजान? उर्दू आता है थोड़ा, समझ आता है? नहीं आता है। कहाँ से आता है मसाला?
नहीं मालूम कि मसाला कहाँ से आता है। पाकिस्तान पाकिस्तान के पास तो खुद के लिए कुछ नहीं, तो पाकिस्तान से कहाँ से आ जाता है भाई। लेकिन पाकिस्तान इस्लामाबाद से मुझे सुनने में आया पाकिस्तान से कहते दवाइयाँ भी आती हैं भाई। पाकिस्तान के पास तो खुद के पास कुछ नहीं देने को। लेकिन आज जो बॉर्डर जो है ना, बॉर्डर बंद कर दिया। अब पाकिस्तान का यहाँ से जलालाबाद से ना बॉर्डर है लगभग एक घंटे की दूरी पे, वो बंद कर दिया। वो सल्यूट करता है, शुक्रान, ठीक। वो बोलता है, बोल नहीं पाता, बोल नहीं पाता लड़का। तो बाकी यार लोग बहुत प्यारे हैं और हमें बहुत प्यार मिल रहा है। अभी चल रहे हैं यहाँ पे भी एक गुरुद्वारा, और ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। तो ये गेट है, वो जो हिंदी वो आती है ना, मुझे तो नहीं आती क्या लिखा है, हिंदी नहीं लिखा, वो पंजाबी लिखा है। तो भाई ये पूरी मार्केट है, कहा जाता है कि एक टाइम पहले यहाँ पे जब बहुत अच्छी बड़ी कम्युनिटी थी अफगानिस्तान के अंदर, यहाँ पे सिखों की काफी कम्युनिटी रहती थी एक टाइम पहले। पहले यहाँ रहते थे गुरुद्वारे के पास, पर अभी कोई नहीं रहते। अभी आपको जैसे बताया मैंने कि अभी ज्यादा सिख नहीं है यहाँ पे। ये जो आप बता रहे हो ये सिखों का पहले स्कूल था, और यहाँ पहले सिख कम्युनिटी बहुत ज्यादा रहती थी। अभी उस घर है ना, देखो अभी ऊपर घर है, नहीं वो नहीं होगी, वो चले गए, चले गए। तो पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा सिख रहते थे, अभी नहीं है। ये पूरी जो लाइन बता रहे ना, सारी एरिया जो है सिखों का था सारा। लड़ाइयों की वजह से ज्यादातर हिंदुस्तान चले गए, हिंदुस्तान चले गए। आपका पाकिस्तान के पास पड़ता था, तो इसलिए भी थोड़ा सा उर्दू उर्दू ज्यादा इजी लोग बोल पाते हैं। नहीं, पाकिस्तान की वजह ना, ये इंडिया के फिल्मों के देख। अच्छा, इंडिया की फिल्मों की वजह से, क्या बात है, इंडिया की फिल्मों की वजह से। चलो ये भी बात सही है। बाकी यहाँ के लोग काफी हद तक समझ जाते हैं, भले बोल ना पाए, समझ तो जाते हैं, समझ जाते हैं, समझ जाते हैं। जो फिल्में उनमें टीवी टूवी चलता रहता है, टीवी चलते हैं, यूट्यूब चलते हैं, सब कुछ हिंदी हिंदी डाउनलोड करते हैं। तो भाई साहब मेरे ख्याल से हम गुरुद्वारे के अंदर तो हम नहीं जा पाएंगे। हमने वैसे आपको कल आपका काबुल का गुरुद्वारा तो आपको विजिट कराया था। हाँ जी सर, बस बढ़िया जी, आप सुनाइए कैसे हैं। इतनी दूर से यही देखने आए कि भैया अफगानिस्तान जो लोगों को, इंडियंस को जितना चाहता है उसमें कितनी सच्चाई है। भाई जान देव रुक के देख रहे हैं, पता नहीं मैं क्या ही बोल रहा हूँ, पता नहीं, बस समझता हूँ, समझते हैं। चलिए जी, हिंदुस्तान से हैं जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, दिल्ली गया। हाँ, मैं दिल्ली से ही। हाँ, क्या बात है जी, सब बढ़िया रहा। चलिए सर, अच्छी बात है। तो भाई जान मैं जा रहा था, इन्होंने मुझे बुलाया इधर। क्या नाम है अपना? ये तेल वेल ये सारा जो चीजें हैं ये कहाँ से आता है? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, पाकिस्तान से कैसे आता? पाकिस्तान वालों के पास तो खुद ही खाने के वांदे पड़े हुए हैं। पाकिस्तान वालों का सामान कहाँ है देने को? पाकिस्तान सामान कम आ जाए। ये तो शिला जी दिखाने वाले, मुझे लगता है स्टीकर है मेड इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान के। क्या बात है जी, क्या बात। ये हिंदुस्तान का है, ठीक है जी, ठीक है, बढ़िया है। ये तुर्की है, वो तुर्की का है। सब बेच रहे हो सब? हम अफगानिस्तान के हो, हम हिंदुस्तान के हैं। बढ़िया यार, देसी दवाई की दुकान है ना। कैसे हैं? बस बढ़िया जी, कैसे नजर तो बहुत ही पार्की है भैया। ये पंजाबी है, गुलचरण, 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 पता नहीं भाई। आप इंडिया आए कभी? नहीं नहीं, वीजा नहीं मिलता। ये दुख वाली बात सबके साथ है, सभी ये कहते हैं वीजा नहीं मिलता है। भाई वीजा दो इनको, घूमने आए हैं। मैं भी कभी नहीं आया हूँ अफगानिस्तान से, सीखा हूँ मैं आपका ये बात। फिल्में देख देख के बहुत देखता हूँ भाई, फिल्में देख देख के हिंदी सीखे हैं। बहुत ट्रेन हूँ मैं हिंदुस्तान। क्या बात है, कौन सा फेवरेट हीरो कौन है बताओ? सलमान खान, शाहरुख खान, सभी फिल्मों को मैं जानता हूँ, सभी फेवरेट है और सभी का फ्रेंड हूँ मैं। मत करो, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, मेरे भाई है, भाई तो है पर भाई के लिए ऐसे मत करो ना। चलो भाई ठीक है, कैसे हो? बस बढ़िया, शुक्राना मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अकेले आए हो? नहीं नहीं, एक और मेरे साथ। पकौड़े, आलू फ्राई, ये शाम की तैयारी हो रही है ना, शाम की तैयारी है ना। गुरुद्वारा देखने आए थी, काबुल वाला गुरुद्वारा आप देख ले, गुरुद्वारा गए, गुरुद्वारा मुझे बंद है जी। सत श्री अकाल जी। तो वो कह रहे कानून अलाउ नहीं, वीडियो खिंचवाना पसंद नहीं है। धन्यवाद जी। तो इतने लोते मनु इतने पापा जी दिखे थे, मैं आशीर्वाद ले लिए, बाकी सब बढ़िया। तो भाई मुझे नहीं मालूम था, पास में गुरुद्वारे के पास ये दुकान थी, और वो दुकान सरदार जी की थी, और वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं। पहले तो मान नहीं रहते, पर थोड़ी सी पंजाबी आती तो मैं कहा मनवा ही लेते हैं। उनसे आशीर्वाद लिया है, और वो कहते भैया तीन बार इंडिया गया हूँ पर मेरा मन नहीं माना, मैं कह रहा हूँ जहाँ पे पैदा हुआ ना मैं वहीं पे ही मरूँगा। तो वो कह रहे मैं इसलिए यहाँ आ गया, मैं इसलिए यहीं बैठा हूँ। तो उनकी दुकान थी, तो मैं कहा आशीर्वाद दे दो जी पापा जी, बाकी सब बढ़िया है। तो समझ आया कुछ किसी को?
तो इंडिया वालों कुछ कहना है आप लोगों ने? इंडिया वालों अभी कोई बातें भी यही रहो हमारे साथ। क्या बात है जी, क्या बात है सर। ये कह रहे हमें हिंदुस्तान ले चलो, मेरी शादी नहीं हुई। एक है, एक है, बस एक ही है। ये कह रहे हैं मेरी यहाँ एक ही है, मेरे को शादी करनी, हिंदुस्तान ले चलो। भाई किस किस को हिंदुस्तान जाना है? मैंने कहा एक ही, ये कहते एक बहुत है। जैसे ही हिंदुस्तान की बात की, कहते मुझे वहाँ ले चलो, मुझे दूसरी करनी है। और हिंदुस्तान की सबसे अच्छी बात बताऊँ, यहाँ तो तुम्हें खर्चा करना पड़ता है, हिंदुस्तान में लड़की वाले खर्चा कर रहे हैं। लड़की वाले पूरा शादी का खर्चा उठाएंगे और आपकी मौज। एक्सपीरियंस है लेकिन इनको नहीं मिलने वाला भाई। यहाँ ये सिस्टम नहीं है, यहाँ खर्चा उल्टा लड़का वाला। हम यहाँ पे खवारा मरने वाले हैं। चाचा को कुछ नहीं देने वाले लोग। सफेद दाढ़ी आ गए, उन्होंने कहा इन्होंने बहुत पैसे इकट्ठे किए, इनको क्या देना है? काला कर लेंगे चाचा, करे काला कर लेंगे। कौन सा डायलॉग सुनाया तुमने? मैंने सनी देओल का डायलॉग। कौन सा, जल्दी सुनाओ डायलॉग। अच्छा वो सनी देओल का वो घातक फिल्म जो, हाँ हाँ घातक का, क्या है? ये मजदूर का हाथ एक कात्या, लोहा पिघला कर आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने की रोटी की कमाई की है, मुझे किसी टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं। तू चाहता है मैं तुम्हारा कुत्ता बन के रहूं, तू चाहता है मैं बोकूं, तू चाहता है मैं काटूं। क्या बात है, ये देखो भी हिंदी सीखा है और फिल्में देख देख के सीखा है। बहुत मैंने फिल्में देखी भाई। आओ आपको हिंदुस्तान में हम आपको काम दिलाएगा कोई ना कोई। क्या बात है, इंडिया आऊंगा इंशाल्लाह, शादी भी वहीं पे करूंगा। ओह माय गॉड, और घूमूंगा हर जगह। शादी कब करना है ये तो बताओ। इसको कह रहे हैं कि मुझे शादी करना है। कौन सी? सारा भाई साहब, सारा अली खान से, सैफ अली खान मार देगा। सैफ अली खान कहेगा भाई मेरी लड़की से शादी करेगा। और अच्छे नहीं लगते क्या? काम करते हैं? मैं तो ये रन चलाता हूँ। ये गाड़ी चलाते हैं? काम करते हैं। शुक्रिया अल्लाह का। कुछ कहना चाहते हो इंडिया वालों को? यार क्या कहूँ मैं, कुछ तो कह दो यार। इंडिया वाले लोग तो अच्छे नहीं है, प्यार करता है अफगानी लोग। तुम प्यार करते हो? नहीं करते हो? क्यों नहीं करता है, बस ये कोई काम वाम नहीं है ना उधर जाने का, पासपोर्ट वगैरह कोई। हाँ ये पासपोर्ट इनका ना बड़ा वीक है, यकीन नहीं मानोगे। साथ वाली कंट्री है तक एंट्री नहीं देती। बिल्कुल यही बात है। हाँ तो वो थोड़ा सा ठीक हो जाए ना तो अच्छा हो जाएगा। सही बात है भाईजान। ये भाईजान भी है बहुत ही प्यारे, बड़ी देर से हमारी बातचीत हो रही थी। और अवलीन दोस्त अफगानिस्तान हिंदुस्तानी। शुक्राना, शुक्राना। चलिए जी, काम वाम सही चलता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ठीक है। रिश्के हिंदुस्तान, हिंदुस्तान वाला टीवीएस वाला मालूम। अच्छा काम किया। चलो ठीक है। तो भाई मुझे मजेदार बातें पता चली भाई की, कुछ और भी। भाई से मैं पूछ रहा हूँ शादी क्यों नहीं करी, उम्र कितनी हो गई अपनी? मेरी उम्र, सच सच बताना, सच सच कहूँ कितना? 20 और 20 नहीं 20 और 30। भाई की उम्र हो गई और भाई ने, मैंने पूछा शादी क्यों नहीं करी तो भाई बता रहा है कि भाई जिससे पसंद करते थे उसकी शादी कहीं और हो गई। तो मैंने कहा भैया यहाँ पे एक रूल है कि भाई जहाँ पे लड़का लड़की साथ पकड़े जाए तो उनकी शादी करा दी जाती है, तुम क्यों नहीं पकड़े गए? अरे मुझे इतना लंबी हुई नहीं ना, उस टाइम पे शादी का मूड नहीं था। हाँ और वहाँ उस टाइम में तालिबान भी नहीं आए थे। तुम्हारी लड़की हाथ से निकल गई है और अब ये देवदास बन गया। देवदास बन गया भाई साहब, देख ले। अब कोई इंडिया से कोई देख रहा है, पसंद कर रहा है तो भैया कमेंट कर देना इसको, इंडिया का वीजा दिलवा के इंडिया बुला लेंगे। हाँ कब, किस से बुलवाएगा? अपना कोई मैसेज नंबर कोई दो ना, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप व्हाट्सएप कोई भाई मुझे बुला लो, कोई बुला लो। जमशेद अजीज के नाम से फेसबुक पे भाई है, अगर कोई लड़की देख रही है और इससे शादी करना चाहती है मैसेज कर दो इसको और बुला लो इंडिया। देखा, बोल दिया। थैंक यू यार। हाँ ये काम कर देना। मैं कह रहा हूँ भाईजान, आपके जैसे हमारे इंडिया में मॉडल होते हैं, फिल्म स्टार्स होते हैं ना जो शूटिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं, इतने सुंदर सुंदर लड़के उसी में होते हैं। क्योंकि इनका चेहरा महेंद्र सिंह धोनी जैसा है, हैं? ऐसा है? खेलना भी आता है? खेलते हैं क्रिकेट, खेलते हैं। सलाम जी, सलाम सलाम सलाम। भाई ये लड़का कह रहा है हम हिंदुस्तान ले जा सकते हो, क्यों यहाँ पे अच्छा नहीं है? हिंदुस्तान जाना है। पासपोर्ट बना हुआ है? अबू का बना, पहले पासपोर्ट बनाना। और अगर वो इंडिया से रेफरेंस मांगेंगे ना कि भैया इंडिया, तो हम रेफरेंस दे देंगे, फिर आ जाना है। ठीक है, बाकी भाई लोग बहुत ही प्यारे हैं, हम लगल गए यहाँ के ऑटो में भाई के साथ। ये देखो यहाँ की लोकल मार्केट है यहाँ पे, और ये था पहाड़ी के ऊपर ही है भाई, बहुत ही खूबसूरत है जलालाबाद। सामने देखो बर्फ के पहाड़, नहीं मतलब पहाड़ है, बर्फ के पहाड़ उसके पीछे है यार, मजेदार जगह है यहाँ। बर्फ पड़ता है?
अच्छा जी, कितनी दूर है तुम्हारा घर? हमारा घर यहाँ से एक घंटा है। वो एक घंटा है, बहुत दूर है भाई। भाई देखो क्या ही खूबसूरत जगह है यार, क्या ही जबरदस्त माहौल है, क्या बात है भाई, को पता कश्मीर जैसी जगह है वो, देखो क्या ही जबरदस्त है यार, ले क्या यार, एंजॉय कर रहे हैं बैठे हुए हैं। अगर आप कहेंगे यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे नीचे, हाँ नीचे, पर यहाँ पे बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी। ये इंडिया की स्विफ्ट गाड़ी देख लो, देखो जी देखो, ये बिल्कुल बिक रहा है यार, सही है यार, देखो जी क्या जबरदस्त माहौल है यार, मजेदार, और लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। पानी का बहाव कभी तेज नहीं होता यहाँ पे, होता है, होता है। तो आज हमारे ये भाई होस्ट कर रहे हैं, हमें घुमा रहे हैं यहाँ पे, कह रहे भैया मैं तुम्हें जलालाबाद अपने रिक्शे पे घुमाता हूँ। भाई के लिए लड़की भी ढूंढनी है हमने, अगर कोई इंडियन लड़की पसंद करे तो भैया मैसेज कर देना, भाई फेसबुक पे है, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, और चंद्रमा दिख रहा है ऊपर, चांद दिख रहा है यार, ये देखो तुम्हारा गाँव देख लिया तो तुमको क्या, तो तुम अपने गाँव तो तुम्हारा बहुत दूर है, तभी मैंने पूछा तुम कहाँ रहते हो। ये देखो मंडी है पूरी, सब्जी वब्जी सब बिक रहा है यार, नहीं नहीं ज्यादा गिरवाना नहीं, आराम से चल भाई। ये देखो इस तरह सेब मिलते हैं, 7 किलो लगभग 125-150 रुपए किलो है, सेब बहुत सस्ता है यार, बहुत सस्ता है यहाँ पे। ये है आपका जलालाबाद, क्या ही खूबसूरत गलियां है यहाँ की, मजा आ गया यार। भाई कह रहा है आपको गांव घुमा के लाता हूँ, कोई पास में कोई गांव पड़ता है तो। भाई ये जगह है बनकर, भाई कह रहा है कि भैया एक टाइम पहले यहाँ हिंदुओं का एरिया था, ये हिंदू यहाँ रहते थे इस जगह पे, ये पूरा एरिया हिंदुओं का था, बनकर एरिया। ये थोड़ा आगे लेके ऐसे ऐसा ले लो, ये देखो यार, ये देखो अभी पूरी मार्केट है यहाँ पे। ये तो भैया ये कुछ पेट्रोल पंप है यहाँ के, और यहाँ सोलर सिस्टम बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और ये देखो खेतों का एरिया, ये आपका जलालाबाद का अफगानिस्तान के देखो खेत गांव, ये एक टाउन में आ गए हैं, देखते हैं कोई घर गांव जा सके होंगे तो अब जा सकेंगे। ये देखो पुराने पुराने घर, मिट्टी के घर है यहाँ पे, वो देखो पूरे खेत ही खेत है, ये तो पिंड है पूरा यार, बांडा। भाई देखो क्या ही खूबसूरत जगह है, बांडा पिंड है पूरा, पंजाब का जैसा पिंड होता था ना हमारा, बिल्कुल वैसा ही ये पिंड नजर आ रहा है, बिल्कुल मतलब फील बताऊं तो सारा बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे है। अगर आप इस दीवारों पे जो लिखा हुआ उर्दू उसको ना देखो तो आपको ऐसा लगा कि इंडिया के अंदर कोई हम पुराने पिंड में, कोई पुराने शहर में, कस्बे में घूम रहे हैं। ऐसी दुकानें हैं, ऐसे घर हैं, ऐसे क्लिनिक हैं, ये है कि गाड़ियां थोड़ी पुरानी जरूर है यहाँ, क्योंकि नई गाड़ी का कोई शोरूम ही नहीं है पूरे अफगानिस्तान में, यहाँ सिर्फ पुरानी गाड़ियां चलती है, और जो गाड़ियां आती है वो सारी बाहर से आती है, दुबई से। ये देखो क्या ही खूबसूरत खूबसूरत गली है, खूबसूरत खूबसूरत घर है। क्या हाल है भाईजान, कैसे है? बहुत ही प्यारी जगह यार। तो दोस्तों भैया इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया लाइक कर देना, ज्यादा अच्छी लगी शेयर कर देना, नहीं हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं अच्छी अच्छी सी अगली वीडियो में, जिंदगी छोटी सी है, दुनिया बहुत बड़ी है, तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्यार बरसाते रहो, मिलते हैं गाइस, बाय। I feel like I'm losing my mind.